कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M52 के ऊपर कुछ अतरंगी टेस्ट, जो कि काफी टाइम से मैंने नहीं किया अपने चैनल पे। मैं पहले करता था MI A3 के टाइम, जब इसके अंदर एंड्रॉइड 13 और साथ में One UI 5 अपडेट आ ही चुका है। देखो, सब कुछ डिटेल्स मैं इसके अंदर शेयर करूंगा। लमसम 4-5 टाइप का मैंने कुछ छोटे छोटे टेस्ट किया हूं, जो कि देखो वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कॉमेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतुदु बेंचमार्क क्या है One UI 5 के बाद। मैं जस्ट इसका थोड़ी देर पहले ही मैंने टेस्ट किया था, मैं आपको बता ही देता हूँ। 4,97,000 समथिंग स्कोर लेके आया है जो One UI 5 के बाद। दोस्तों, कई सारे यूजर ऐसे कमेंट्स किए हैं कि भाई One UI के बाद, One UI 5.1 के बाद कई सारे यूजर कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो हट गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉइड 13 देख सकते हो और साथ साथ आपको यहाँ पर मैंने बताया कि One UI 5 इसके अंदर है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर करके दिखाऊंगा हाथों हाथ। यहाँ पर सिस्टम डायलर है तो 198 पे कॉल कर देते हैं। डायल करते ही ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा टॉप पे, जैसे कॉल लग जाएगा। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक लग गया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा है। और जब भी मैं यहाँ पर सेटअप करूंगा तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग आराम से सेव हो जाएगा, आप उसको जाके वापस में सुन सकते हो। दोस्तों, One UI 5.1 के बाद हम चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रॉपर वे में OTG वार कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं एंड्राइव है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो USB स्टोरेज एडेड, इसका मतलब आपका जो ये स्टोरेज है इसके अंदर पेनड्राइव के अंदर ये कनेक्ट हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास USB स्टोरेज 1 आपके पास आ गया है। सिंपल बैक करो और आपने फाइल मैनेजर को जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर देखो यहाँ पर USB स्टोरेज यानी कि ये OTG कनेक्टेड हो गया है। आप इसके थ्रू इसको कनेक्ट करके आप माउस के थ्रू यूज कर सकते हो, कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो बड़े आसानी से। जो USB ड्राइवर सब कुछ इसके अंदर यूज हो जाएगा। कोई फाइल अगर मैं यहाँ पर मूव करूँगा इंटरनल स्टोरेज के अंदर गया, कोई नॉर्मल कोई कैमरा के अंदर से कोई फोटो ले लेता हूँ, जैसे ये फोटो मैंने यहाँ पे, ये जो फोटो को मैं यहाँ पे कॉपी किया, बैक करो और बैक, और मैं अभी USB स्टोरेज के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने कॉपी हियर कर दिया, तो ये फोटो जो है यहाँ पर आ गया आपके सामने। देखिए, गैलरी व्यू में करेंगे तभी जाके ओपन हो जाएगा, यानी कि ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, आराम से यूज हो जाता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई पैसा कहाँ से आ गया, मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट व्यू के थ्रू। One UI 5 के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं ये कास्टिंग जो है, स्क्रीन कास्टिंग होता है कि नहीं। सैमसंग के अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट व्यू ऑप्शन है, इसको आप टैप करिए। जैसे टैप करोगे ध्यान रखना आपके PC या लैपटॉप के अंदर जो कनेक्शन होगा, ठीक है ना, जो Wi-Fi कनेक्ट होगा सेम टू सेम इसके अंदर कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर भी सर्च कर रहा है, मैं इसको साइड किया और सिंपल मुझे क्या करना है, एक बार मैं अपने लैपटॉप के अंदर जाऊंगा और ये सर्च बॉक्स में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कनेक्ट ऐप। ओपन हो गया और बता देता हूँ, अगर आपके PC या लैपटॉप पे कनेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, कनेक्ट एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भाई इसका वीडियो में दे दूंगा कि कैसे ये कनेक्ट एप्लीकेशन, जैसे ये डेस्कटॉप व्यू जो है ना, ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसका एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अपने मोबाइल का स्मार्ट व्यू जो है यहाँ पर कनेक्ट करना, देखो यहाँ पर जैसे मैं उसको कनेक्ट किया हूँ और यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया डेस्कटॉप डिटेल। मैं इसको क्लिक करूंगा स्टार्ट नाउ और मेरा जो पूरा फीचर पूरा हुलिया उसके अंदर आ गया, आप उधर देखिए है ना। और यहाँ पे हम अगर कुछ भी यहाँ पे रनिंग करें सब कुछ वहां पे चलता रहेगा। मैं फेसबुक ओपन कर लिया, सेम टू सेम फेसबुक चल गया। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करूँ तो इंस्टाग्राम भी चल गया। तो सबसे बढ़िया होगा कि यार इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता। साथ ही साथ यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर इस टाइप का सेटअप करके आप कोई अच्छा सा वीडियो पड़ा होगा वो आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास कोई वीडियो प्लेयर है तो मैं ओपन किया MX प्लेयर के अंदर ये वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग ऐसे हो। दोस्तों, इस वीडियो में एक तरक्का भरता लाभा ब्लेज लेके आया हूँ मैं। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लाभा की तरफ से एक सस्ता
आपका फोन कहीं भी हो, आपको फोन कहीं भी हो, इसका साउंड जो है यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे लुक जो है आपको देखने को मिल जाता होगा। ये काफी बढ़िया लुक है, ये सेटअप आपको करना चाहिए, ये टेस्टिंग वगैरह आपको देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हो रहा है। हाँ, मैंने अपने स्मार्ट टीवी में चेक किया था, उस टाइम स्मार्ट टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने गैलेक्सी M52 को कैसे मैं अपने स्मार्ट टीवी के अंदर कनेक्ट करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर लाऊंगा। अभी फिलहाल जो है पीसी और लैपटॉप पे आराम से कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। वन वे के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो वाईफाई कनेक्शन है उसका स्पीड क्या लाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो वन वे 5 के बाद सेम टू सेम लमसम डाउनलोड और अपलोड आ रहा है, जबकि शेयर कर दूंगा ये जो है टेस्ट में कर रहा हूँ आफ्टर वन यूआई 5 अपडेट, बहुत घटिया 4G का यानी वोल्टी प्लस का, ठीक है ना, आप देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर मैं जब वन यूआई 4.1 था उस टाइम काफ़ी बार टेस्ट किया था। टाइप सी का जो कनेक्टेड है, हम इसके अंदर ऑडियो का जैक कंप्लीट नहीं हो पाता था। मैं एक बार, मेरे पास दो जैक पड़े हैं यहाँ पर, एक तो मैं नाम लिख दिया था कि मिस हो जाता ना, ये जो है IQ Neo 6 का है, ठीक है, टाइप सी टू 3.5 mm, और मेरे पास ये Xiaomi 11 लाइट इनी का है, ये मिट गया है, पता नहीं लिखा था मिट गया है, और इसके अंदर भी ये टाइप सी, और मेरे पास एक वन प्लस का पड़ा हुआ है, नॉर्ड का एक ईयरफोन पड़ा है, मैं इसके अंदर कनेक्ट करके देखता हूँ क्या ये कनेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है ना। ये जो टेस्ट है ना बहुत कम रेयर देखने मिलता है यूट्यूब पर, तो आप लोग यहाँ पर जैसे मैं इसको कनेक्ट कर दिया और लगाते ही अगर ऊपर ऑडियो का निशान आ गया तो हम समझ जाएंगे भाई, ठीक है, जस्ट अ मिनट। नहीं, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, यहाँ कनेक्शन कुछ और ही आ रहा है, डिवाइस नॉट सपोर्ट लिख रहा है, डिवाइस नॉट द कनेक्शन USB डिवाइस नॉट सपोर्टेड, ये सपोर्ट नहीं करता है, ये भी नहीं कनेक्ट करता, मतलब आप लोग ट्राई भी मत करना। अगर सैमसंग का ओरिजिनल कहीं मिले तो भाई ट्राई कर सकते हो, टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक। देखो वीडियो के एंड तक अगर आपने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी डिवाइस में ये सब प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हमें बताइए, मैं आप उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलेगी नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।